नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज आपके समक्ष आप ही का फेवरेट टॉपिक में लेके आए हूँ दोस्तों। जी हाँ, मुर्की की प्रैक्टिस, हाउ टू प्रैक्टिस मुर्की, गले में लचीलापन, द एजिलिटी इन योर वॉइस, द बेस्ट प्रैक्टिस टू ब्रिंग द एजिलिटी द फ्लेक्सिबिलिटी इन योर वॉइस। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारे संगीत में आभूषण है। हम हर कैसे अपनी आवाज़ में दोस्तों सौंदर्य तत्व की हम निर्मति करें, उसका साधन क्या है दोस्तों? गमक, मुर्की, मींड, कर्ण, खटका। तो आज का जो लेक्चर है दोस्तों, वो मुर्की और खटका, ये दो जो एलिमेंट हैं, मैं आज ये कवर करने वाला हूँ दोस्तों अपने लेक्चर में। इसका क्या रियाज हम करें, तो बहुत गजब की एक टेक्निक आपके समक्ष में शेयर करूँगा दोस्तों। वो आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके गले में मुर्की आ सकती है। ठीक है दोस्तों, खटके के लिए भी दोस्तों और मुर्की के लिए भी ये एक ही रियाज रहेगा। पहले तो दोस्तों मैं आपको मुर्की का महत्व बता दूं, उससे पहले मैं बता दूं कि मुर्की होती क्या है। देखिए, मुर्की एन ऑर्नामेंटेशन अराउंड द नोट, ध्यान से समझिएगा, गले का लचीलापन। देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कर्ण स्वर का रियाज बताया था। अब कर्ण स्वर में दोस्तों हो क्या रहा था, पहले ये देखिए आप, ने रे गा रे परे, ऋषभ पे पंचम का कर्ण एक ही कर्ण लग रहा था। अब हो क्या रहा है दोस्तों, एक से ज्यादा स्वरों का जब कर्ण लग जाए, कहने का मतलब है दो कर्ण लग जाए या दो से अधिक कर्ण लग जाए, तो वो मुर्की का रूप ले लेते हैं। इसका मतलब अगर एक ही ग्रीस नोट लग रहा है तो वो तो कर्ण स्वर कहलाएगा नॉर्मल, एक से ज्यादा अगर लग जाए कर्ण तो वो मुर्की का रूप ले जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, मैं एक स्वर गा रहा हूँ, पा पा पा, ये प की मुर्की कहलाएगी। अब ये हो क्या रहा है, गा क्या रहा हूँ मैं, गा मा पा पा। आप चार स्वर की ले लीजिए, धा गा मा पा धा गा रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ, धा, ये दैवत की मुर्की हो गई, धा, समझ रहे। अब गा मा पा धा नी ने ने ने, पांच स्वर की मुर्की हो गई, ने पा धा ने, इस प्रकार। तो आई होप आपको मुर्की का कॉन्सेप्ट समझ आया। मुर्की तो ये हो गई जो मैंने आपको बताई। अब खटका क्या होता है, नॉक करना, स्वरों के गुच्छों को झटके से गाना, समझिएगा अब, ते ते हा हा ते हा हा दे। अब हा हा हा, ये क्या है, ये खटका एक तरीके का। तो मुर्की का सूक्ष्म रूप हम कह सकते हैं खटका। तो देखिए, अब अल्टीमेटली मेरा जो बेस छुपा हुआ वो क्लासिकल म्यूजिक में छुपा हुआ है। हालांकि मुर्की का यूज़ सेमी क्लासिकल और लाइट में ज़्यादा है दोस्तों, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं मुर्की के रियाज पे आऊँगा। पहले इम्पोर्टेंस जाननी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हमें लक्ष्य पता होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों मुर्की का रियाज करें। तो सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक गाने के थ्रू, जिसमें आप मुर्की का प्रयोग देखिए दोस्तों। एक बहुत ही गजब का गाना है, आदरणीय शंकर जयकिशन साहब की कंपोजिशन है, रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी ने देखिए क्या गाया है। मुर्की का अगर आपको प्रयोग देखना है तो आप इस गाने में देखिए, जस्ट एज एन इलस्ट्रेशन, आज हुन आए बालमा सावन बेता जाए हाय राम। अब ये क्या है, अज हुन आए बा बा, ऑर्नामेंटेशन, द ब्यूटिफिकेशन अराउंड द नोट बा। अब ये बा, इसकी नोटेशन देखूं मैं, गपा दसानी बा गपा दसानी, राग सिंध भैरवी है ये, वैसे स्वर हालांकि किरवानी के हैं लेकिन आत्मा सिंध भैरवी की है। वो जब गाने में डिस्कस करूंगा तब आपको बताऊंगा, अभी आप समझिए मुर्की की इम्पोर्टेंस। अज हुन आए बा, अब गामा गा पा धा सा नी 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 पे नी की मुर्की है, बा नी बालमा सावन बीता जाए
हाय राम सावन बेता जाए, आज हुन आए बाल सावन बेता जाए, हाय राम सावन बेता जाए। तो आप देख रहे हैं मुर्गी की इम्पोर्टेंस मैंने बताने के लिए आपको ये गाना मैंने आपको गा के बताया। अब इसका क्या रियाज हो दोस्त हैं, देखिए एक सिंपल सा अलंकार है दोस्तों कि मुर्गी का रियाज कैसे बनेगा इस अलंकार से, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा स्वर क्या है, मेरा फ्रेज क्या आ रहा है अलंकार का, सारे गगरे सा। तो जो तीसरा स्वर आ रहा है दोस्तों फ्रेज में क्या आ रहा है, सारे ग, जो ग आ रहा है ना वो मुझे बोलना है, लेकिन गा क्या रहा हूं, सारे गा बोल क्या रहा हूं, गा गा। अब लौटते टाइम भी वही बोल रहा है तीसरा स्वर, मेरा पैटर्न क्या है, सारे गा तीसरे प्यार है, गरे सा इसमें तीसरे प्यार है, तो गा सा। ये मुर्गी हो गई ना मेरी दोस्तों, गंधार की मुर्गी गा गा, सा की मुर्गी सा। अब मा रे पैटर्न समझिए, ग सा अलंकार वही है, सारे गा गा रे सा, गा क्या रहा हूँ, ग सा मा रे पा गा। अब ये क्या है, गा मा पा, गा क्या रहा हूँ, पा, पा की मुर्की हो गई पा मा गा गा, तो ग सा मा रे पा गा। अब मा पा धा 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 पा मा मा, तो धा मा। इस प्रकार नी पा सा धा रे नी गा सा, तो आरोह क्या बनेगा मेरा, मुर्की युक्त आरोह एक अलंकार से डिराइव कर रहे हैं अपन दोस्तों। आई होप आपको समझ आ रहा है, इस अलंकार से मैंने बहुत बेनिफिट लिया है दोस्तों, आप भी लीजिए, मेरा यकीन माने अगर आपने मेरे इतने वीडियोस देखे तो इस वीडियो पे आपको भरोसा करना ही पड़ेगा दोस्तों, और आप करेंगे और सफलता प्राप्त भी करेंगे। तो ग सा मा रे पा ग धा मा नी पा सा धा रे नी ग सा, समझ रहे, तीसरा स्वर गा रहा हूँ वहीं से समेट लीजिए, ग सा रे नी सा धा नी पा धा मा पा ग मा रे ग सा, ये मेरा रियाज हो गया। तो ग सा मा रे पा ग धा मा नी पा सा धा रे नी ग सा रे नी सा धा नी पा धा मा पा ग मा रे ग सा। एक्यूरेसी, एक एक नोट आपको सुनाई देना चाहिए स्पष्ट स्पष्टता से, फ्लैटनेस नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, उस चीज़ को हमको देखते रहना है। इसको अब आप आराम से दादरा में प्रैक्टिस कीजिए, तालबद्ध तरीके से कीजिए, तो आपका डिसिप्लिन रियाज हो जाएगा। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ, दादी ना धाती ना ग सा मा रे पा ग धा मा नी पा सा धा रे नी ग सा रे नी सा धा नी पा धा मा पा ग मा रे ग सा सम। ये चीज़ परफेक्ट हो जाए आपकी तो ताल बढ़ाकर आप कर सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को और बढ़ाने के लिए, मुर्की युक्त गला बनाने के लिए। देखिए मैं टेम्पो और बढ़ाता हूँ दोस्तों, ये मैंने 160 का टेम्पो कर दिया मैंने, देखिए ग सा मा रे पा ग धा मा नी पा सा धा रे नी ग सा रे नी सा धा नी पा धा मा पा ग मा रे ग सा सम। इस प्रकार दोस्तों अब आप चार स्वर का भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, चार स्वर की मान लीजिए मुर्गी का आपको रियाज करना है तो उसका पैटर्न सारे गा मा मा गरे सा, अलंकार मेरा चार स्वर का हो जाएगा, मतलब चार चार के छंद वाला अलंकार हो जाएगा, तो तीन ताल में बन जाएगा। तो आप
चार स्वर की मुर्की का रियाज कैसे करेंगे उसके लिए आपको ये अलंकार आना चाहिए। सारे गामा मा गरे, सारे गामा पा पा मा गरे, गामा पा धा धा पा मा गा। सिंपल सा पैटर्न है, 1 2 3 4 4 3 2, 1 2 3 4 5 5 4 3 2, 3 4 5 6 6 5 4 3 एंड सो ऑन। सो सारे गामा मा गरे, सा रे गामा पा पा मा गरे, गामा पा धा धा पा मा गा, मा पा धा नी नी धा पा मा, पा धा नी सा सा नी धा पा, धा नी सा रे रे सा नी धा, नी सारे गा गरे सा नी, सारे गा मा मा गरे सा। रिवर्स फ्रॉम देयर, सारे गा मा मा गरे सा नी, सारे गा गरे सा नी, धनी धनी सारे रे सा नी धा पा, धनी सा नी धा पा, मा पा धा नी नी धा पा मा, गा मा पा धा धा पा मा गरे, गा मा पा पा मा गरे, सारे गा मा मा गरे सा। ये एक मेरा पैटर्न है। अब इसको मुर्की में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो अगर आप पहला समझ गए तो ये आराम से समझ जाएंगे। चौथा स्वर आपको बोलना है हर एक फ्रेज में। फ्रेज क्या है, सारे गामा। चौथा स्वर क्या आ रहा है, मेरा मध्यम आ रहा है ना, तो मा सा, तो मा सा पा रे धा गा नी मा रे धा गानी मा सा गानी रे धा सा पा नी मा धा गा पा रे मा सा। सो मा सा पा रे धा गा नी मा सा पा रे धा गा नी मा सा गा नी रे धा सा पा नी मा धा गा पा रे मा सा। तो मेरा ये चार स्वर की मुर्की हो जाएगी दोस्तों। तो आई होप आपको समझ आया, मा सा पा रे धा गा नी मा सा पा रे धा गा नी मा सा गा नी रे धा सा पा नी मा धा गा पा रे मा सा। मा सा पा रे धा गा नी मा सा पा रे धा गा नी मा सा गा नी रे धा सा पा नी मा धा गा पा रे मा सा। सम। अब आप दोस्तों स्पीड बढ़ाकर भी इसका रियाज कर सकते हैं ताकि आपकी मुर्की में और लचीलापन बढ़े। किस प्रकार, देखिए नोटेशन मेरी वही रहेगी, वही मेरी टेक्निक रहेगी। तो देखिए, मा सा पा रे धा गा नी मा सा पा रे धा गा नी मा सा गा नी रे धा सा पा नी मा धा गा पा रे मा सा पा रे धा गा नी मा सा पा रे धा गा नी मा सा गा नी रे धा सा पा नी मा धा गा पा रे मा सा। सम। तो आई होप द लेवल ऑफ एजिलिटी विल डेफिनेटली बी कमिंग इन योर थ्रोट। और मेरी यही शुभकामना है कि आपके गले से मुर्की निकले, अच्छे से आप रियाज कीजिए और अपने आशीर्वाद से मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें दोस्तों। बहुत ही कारगर प्रैक्टिस है दोस्तों, एक बार आप करके देखिए, 100% आपको बेनिफिट होगा। और आपकी दुआएं लेने इस चैनल पे मैं आता हूं दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा दोस्तों, इंस्टाग्राम पे आप मुझे टैग भी कर सकते हैं और अपना रियाज मुझे आप अगर दिखाएंगे करके तो मेरे को लगेगा मेरी मेहनत सफल हुई। आपकी संगीतमय सेवा में, मुर्की युक्त संगीतमय सेवा में ऐसे ही आता रहूँगा। ओम।